टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, यहां पे आप लोग चार्ट बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यही मेक अ चार्ट, राइट इन वन साइड। इट इज बेसिकली टू टाइप्स, दो तरह का होता है, टू टाइप्स होते हैं ये। तो वन इज द सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी SCGT, as I already told you during RDT, when I okay total RDT na, so in that class I was already discussed about SCGT, and other is the GCGT, somatic cell therapy, somatic cell gene therapy, and this is the germ gene therapy, germ cell gene therapy. Somatic cell is a cell means cells of body, cells other than germ cells are called somatic cells, are called somatic cell। germ cell को छोड़कर के जो शेष सेल है सब क्या बोलते हैं, somatic cell कहते हैं, ठीक है। germ cell are sperm cells और egg cells। जर्म सेल क्या है, जो स्पर्म सेल्स हैं ये क्या है, जर्म सेल्स हैं, एग सेल्स हैं ये क्या है, जर्म सेल्स हैं। और ऐसे कह सकते हो कि सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, जो टेस्टिस हैं, सेल्स इन टेस्टिस और सेल्स इन ओवरी, ये ओवरी हो गया, ये टेस्टिस है, ये क्या है, ओवरी है ये। सो स्पर्म प्रोड्यूसेस इन द टेस्टिस, तो मेल का टेस्टिस है यहाँ पे, फिर ओवरी होगा। तो एग सेल कहाँ बनता है, ये produced by the ovary, sperm produces inside the testis, and cells other than germ cell are called somatic cell। इस सेल को छोड़कर जो भी हमारी में सेल्स हैं all are called somatic cells except this, ठीक है। अब when we are using therapy for treatment of somatic cell, that is called somatic cell gene therapy, and when we are applying gene therapy for treatment of problems associated with either sperm or egg cells, that is called germ cell gene therapy. Now my question is, out of these two, which is heritable and which is non-heritable? इन दोनों में से हेरिट कौन करेगा, ये करेगा, ये दोनों करेगा, कोई नहीं करेगा, और सिर्फ जर्म करेगा? आप लोग थोड़ा सा बोलो, दोनों में से हेरिटेबल कौन, सोमैटिक या जर्म या दोनों या कोई नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो जितने भी लोग हो, जो लोग सोमैटिक सेल कहे हो, सोमैटिक सेल, अरे बॉडी का सेल से ये कैसे करेगा, स्पर्म और एक पास करता है ना। सोमैटिक सेल से जुड़ा हुआ ये हेरिटेबल नहीं होगा। मजा आ रहा था सुनने में, गुड गुड। नहीं हेरिटेबल सिर्फ कौन होगा, जो GCGT वाला होगा, दिस इज हेरिटेबल, ठीक है। ये आपके बॉडी में है, ये आपके साथ रह जाएगा, ठीक है। यू आर बट कंट्रीब्यूटिंग योर दिस सेल इन योर चाइल्ड प्रोडक्शन। बच्चे पैदा करने में बॉडी सेल का कोई कंट्रीब्यूशन है, नहीं है। बच्चे पैदा करने में स्पर्म एक का कंट्रीब्यूशन होता है, दैट्स वाई क्या होता है, वो हेरिटेबल होता है। स्पर्म सेल का कोई, बॉडी सेल का कोई काम है कोई काम नहीं ना। तो याद रखना, तो SCGT वाले लोग ध्यान रखना, ये हेरिटेबल नहीं है, ये हेरिटेबल है। इन दिस अ करेक्ट जीन ट्रांसफर इनटू द सोमैटिक सेल, और इसमें लिख सकते हो इन दिस करेक्ट जीन और राइट जीन आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्म और egg cells, स्पर्म egg cells for ट्रीटमेंट। इसमें क्या हुआ, जो करेक्ट जीन को ट्रांसफर कहाँ करोगे, सोमैटिक सेल में करोगे, और इसमें कहाँ पे करोगे, एक सेल में करोगे। दूसरा है इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो, जैसा फॉर एग्जाम्पल स्किन सेल, बोन सेल, स्किन सेल, बोन सेल, लंग सेल, लिवर सेल, बोन मैरो, राइट, स्किन सेल, बोन सेल, लिवर सेल, लंग सेल, बोन मैरो। और इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग सेल, स्पर्म सेल, एग और स्पर्म सेल। यहां पे लिख दो नेक्स्ट साइट, इट इज नॉन इनहेरिटेबल, इट इज नॉन हेरिटेबल। क्या है ये नॉन हेरिटेबल है। And in this right, it is heritable. It is heritable. Heritable means those that pass into the next generation. It is heritable. Heritable. Right. It is performed across the world, including India. It is performed across the world. Means it is in practice. It is in practice across the world, including India. It is restricted. It is restricted. It is restricted or prevented due to technical reason. Due to technical reason, ethical reason, ethical reason। अब यहाँ पे वो ethical या रीजन क्या है, यहाँ पे ethical रीजन ये है कि no one can pick what kind of changes, okay, what kind of changes may it perform in the next generation। बॉडी के साथ हुआ तो अगर मान लो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है आपका डेथ हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे करोगे तो पूरा जनरेशन क्या होगा वो सफर करेगा। So that's why the result unpredictable है, unprecedented हो सकता है, and that's why people are not ready to start practicing it। हम इसे प्रैक्टिस करने में भी डर रहे हैं, unless and until we will not sure about the future course of this disease। इसका future course क्या होगा, future result क्या होगा, जब तक वो 100% मिसाल के जैसे नहीं आएगा तब तक हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, सोमैटिक सेल थेरेपी का हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टेम सेल का नहीं कर रहे हैं। इंडिया की अगर बात रही तो मैंने कहा इंडिया में प्रैक्टिस में ये भी है, इंडिया कैपेबल है इसको भी करने के लिए, लेकिन चूंकि ये कॉस्टली अफेयर है तो इंडिया में नहीं ये काम चल रहा है, नहीं इसका काम चल रहा है। इंडिया इज कैपेबल टू परफॉर्म इट। इंडिया इज ऑल्सो बाइंडेड विद द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल gene therapy treatment, and that's why India is not going to experiment with that unless we not sure about the result। But in this case we have infrastructure, but because this technology is most costly and risky, and that's why we are not going to perform also this for the general people। ये हमारे यहाँ जनरल लोगों के लिए भी available नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो डेवलप्ड नेशन में जाकर के इस थेरेपी का आप मजा ले सकते हो। थेरेपी का मजा लेने का मतलब हुआ आपके कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसको आप चेक एंड बैलेंस, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर अगर आपको है तो आपको उससे फायदा मिल सकता है, लेकिन आप ये समझो कि अगर आप चाहते हो बच्चों में जाएगा वो तो उसका प्रॉब्लम कि आप इस फॉर्म एक वाले को ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में हेडिंग, अब एक डायग्राम ऐसे समझ लो आप लोग, जैसे मैंने कहा कि किसी ह्यूमन बीइंग है ये, जैसे मैंने कहा कि ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, अब यहाँ पे दो स्थिति बनती है। एक स्थिति तो ये बनती है कि मान लो हमने कहा यहाँ पे कि इसके बॉडी में कोई ट्रीटमेंट करना है, तो इसके बॉडी में ट्रीटमेंट करना है तो क्या करोगे, एससीजीटी का अप्लाई करोगे, और अगर इसी पर्सन का स्पर्म है, सॉरी ये टेस्टिस या ओवरी करना है, ये टेस्टिस है, ये हार्ट में समझ लेना आप लोग, ठीक है। अगर ये पर्सन फीमेल हो, अगर होती तो यहाँ पे ओवरी होता, टेस्टिस और ओवरी के लिए परफॉर्म करते हो, आइदर फॉर ओ फॉर टेस्टिस। ये क्या होगा, ये कहलाएगा जीसीजेटी। दिस इज द जीसीजेटी। तो इस बात को याद रखना आप लोगों को, ठीक है। मैंने कहा कि ये पर्सन है कि वेन यू आर गोइंग टू अप्लाई जीन थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब मान लो यहाँ पे क्या है, ये मसल्स हो गया तो मसल ट्रीटमेंट चाहते हो आप। यहाँ पे इसका लंग्स है, अब लंग्स का ट्रीटमेंट करना चाहते हो आप, तो लंग्स का ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए जो परफॉर्म करोगे क्या होगा वो, दैट इज कॉल्ड एससीजीटी। लेकिन अगर इसी पर्सन का टेस्टिस या ओवरी है, ये मान लो ये मेल है किस होगा, अगर ये फीमेल है तो यहाँ पे ओवरी होगा। इफ यू वांट टू परफॉर्म दिस टेस्ट फॉर टेस्टिस और ओवरी, देन इट इज कॉल्ड जीसीजीटी, जर्म सेल जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी के ये बेसिकली दो आइडियल मोड होता है, ठीक है, टाइप्स हैं। नेक्स्ट में करेंगे मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का जो मेथड्स है वो क्या है,